नमस्कार, मैं हूं सतीश गोयल। आज हमारे स्टूडियो में जाने माने नेता जनपद कौशाम्बी के राजू गौतम जी हैं। और राजू गौतम जी, मेरे दर्शक आपके बारे में जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में मेरे दर्शकों को बताइए, आप किस पार्टी से हैं और आपका क्या आदरणीय सतीश गोयल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजू गौतम, मुख्य जीवन कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी से, मुख्य जीवन कोऑर्डिनेटर। एक कहावत सुनी होगी आपने, हीरे की चमक जौहरी ही जानता है। जनपद कौशाम्बी के बीएसपी के जाने माने नेता रहे, कई बार ये कोऑर्डिनेटर भी रहे, मुख्य जोन कोऑर्डिनेटर भी रहे, और इनसे सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे जनपद कौशाम्बी में इस समय लगातार कई कद्दावर नेता ने बसपा को छोड़ा, आखिर ऐसा क्यों छोड़ रहे हैं लोग बसपा? कुछ स्वार्थी लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर चले गए हैं, और उनके जाने से बहुजन समाज पार्टी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा मतदाता, हमारा कार्यकर्ता वहीं पर टिका हुआ है। वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी पर विश्वास करता है और वो मान्य बहन जी के साथ। 2022 में आप लोगों की क्या पोजिशन है बहुजन समाज पार्टी? 2022 की हमारी पूरी तैयारी है, और जिस तरह उत्तर प्रदेश में, चाहे वो लैंड ऑर्डर के मामले में हो, चाहे वो रोजी रोजगार के मामले में हो, चाहे किसान के मामले में हो, आज 4 साल की सरकार में लगभग 600 कुछ ब्राह्मणों की हत्याएं या एनकाउंटर आप मान लीजिए अब तक इस सरकार में हो चुकी है। और हम लोगों की सरकार में, बहन जी की सरकार में, जब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, मानिया बहन जी को, बहन जी ने सर्जन हिताय सर्जन सुखाय के तट पे सरकार चलाने का काम किया था, सबको सम्मान, सबको भागीदारी देने का काम मानिया बहन जी ने किया था। इसी मंडल से दो कैबिनेट मंत्री मानिया बहन जी ने बनाने का काम किया था, चाहे वो रंगनाथ मिश्रा जी रहे हो, चाहे वो रविंद्र त्रिपाठी। तो एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 में क्या ब्राह्मण आपके साथ में? जी बिल्कुल है हमारे साथ। और सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उस पर बहुजन समाज पार्टी का क्या रोल रहा है? मानिया बहन जी, चूंकि महामारी का समय भी चल रहा था, आपने भी देखा कि कोरोना से पूरा देश और पूरा प्रदेश, पूरा वर्ल्ड परेशान था, लेकिन समय समय पे मानिया बहन जी, चाहे मीडिया के माध्यम से, चाहे प्रेस के माध्यम से, मानिया बहन जी ने किसानों को समर्थन भी दिया, किसानों की बात को भी मानिया बहन जी ने रखा। और हमारी सरकार, जब भी मानिया बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हमने देखा कि किसानों के लिए निशुल्क ट्रैक्टर, बीज की व्यवस्था, सिंचाई, और मानिया बहन जी ने 24 घंटे बिजली देने का काम हमारी सरकार ने किया। रोजगार में आपकी सरकार क्या करेगी? रोजगार में जैसे 2007 में मानिया 7 से 12 तक मानिया बहन जी ने लाखों लाखों लोगों को पक्की नौकरी रोजगार देने का काम किया था, और ठेकेदारी में देश की आजादी के बाद अगर अनुसूचित जाति और जनजाति को अगर ठेकेदारी में किसी ने आरक्षण दिया, तो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बहन जी की सरकार में 10% ठेकेदारी में भी आरक्षण मानिया बहन जी ने देने का काम किया था, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में लाखों ठेकेदार बने और उनको रोजगार मिला, उनके माध्यम से भी बहुत लोगों को रोजगार मिला। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि 2022 के चुनाव आते आते जो बसपा से निष्कासित किए गए, क्या उनकी वापसी होगी? मानिया बहन जी का निर्णय है, और मानिया बहन जी जो अच्छे कार्यकर्ता है, किसी कारणवश अगर वो बाहर किए गए तो मानिया बहन जी बिल्कुल वापस लेंगी, ले रही हैं। एक लगातार एक आरोप, जो भी नेता निकलता है आपकी बसपा पार्टी से, लगातार कुछ न कुछ एक आरोप लगाते हैं कि बसपा पार्टी में पैसे की डिमांड की जाती है, पैसा मांगा जाता है, ऐसा क्या? निकलने के पहले कोई आरोप नहीं लगाता है, जब तक वो हमारे दल में रहते हैं तब तक वो कोई आरोप नहीं लगाते हैं। क्या भाजपा में जो लोग जाते हैं, क्या वहाँ सब इनके पाप भूल जाते हैं? तमाम, आप मैं देख रहा हूँ कि गुंडा माफिया, उत्तर प्रदेश के तमाम बड़े बड़े बिल्डर तमाम दल छोड़ के जाते हैं, और वो सारे, चाहे वो IAS लागी हो, रिटायर हो रही, वो सारे वहाँ जाते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, उनके सारे पाप भूल जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा एक सवाल और है, इस पिछले चुनाव में 2007 में अनुसूचित जाति ने पूरा वोट किया बहुजन समाज पार्टी को, 2007 में पूरा वोट किया, आपकी पूर्व बहुमत से सरकार भी बनी, इस बार आपका क्या है? क्योंकि लगातार हम SC जो SC ST है वो कट रहा है, तो इस बार क्या जनता जान चुकी है
और जनता को अच्छी तरह मालूम हो गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो 15 लाख देने का वादा हो, चाहे विदेशों से काला धन लाने का वादा हो, चाहे इन्होंने वादा किया था कि हम साल में पांच साल में 5 करोड़ रोजगार देंगे, इन्होंने कोई वादा पूरा नहीं किया। और उत्तर प्रदेश की नहीं, पूरे देश की जनता बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती की तरफ देख रही है कि अगर किसी की सरकार में रोजी रोजगार मिल सकता तो केवल बहन जी की सरकार में मिल सकता, बाकी की सरकार 2022 में आपकी पूर्ण बहुमत से बनेगी सरकार। निश्चित हमारी सरकार पूर्ण बहुमत की बनेगी और बहन जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बाई चांस अगर आपको सीट नहीं मिलती तो आप किसके साथ जाएंगे? इसका निर्णय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। धन्यवाद आपका, बहुत 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 बहुत।